पढ़ रहे हो, पढ़ता आपको लंबा समय करना है। कैसे? कि 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे, आपको 15 घंटे तक पहुंचना है। तो उसके लिए इसे तैयार कैसे, क्योंकि हर चीज थकती है, अभी मशीन भी थकती है, आपको पता है मशीनें भी थकती है, तो ये तो मानव है, मानव का दिमाग है, तो ये भी बेचारा थकेगा। तो जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते 1 घंटे हो गए, आपको पता है कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मुझे थकावट आती है। अब उस थकावट को 1 घंटे आई, तो उसमें 4 या 5 मिनट आपको रिफ्रेश होना है। उसके अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग गर्म पानी पी लेते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज मतलब होगा नहीं, लगे लगे पसीनों का, थोड़े बहुत नॉर्मल ऊपर नीचे एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ लोग चाय भी पी लेते हैं। हाँ, नशे से आदमी ज्यादा थकता है, लेकिन कई बार रिफ्रेश होने के लिए ये भी चीजें, या फिर व्हाट्सएप चला लियो, फेसबुक, ये होती है कि 5-7 मिनट रिफ्रेश होना है। या कुछ लोग पुराने सॉन्ग सुनने से आदमी बहुत रिफ्रेश होता है। जब आप युवा थे, जवान थे, जब जो सॉन्ग सुनते थे ना कभी, मान लो वो अब सुन के देखना, आपको वैसी ही फीलिंग आ जाएगी। हाँ, गाने लगा लो कोई बात नहीं है, वो मुझे भूल गई भूल गई भूल गई, ये करे चालू कर दे, उसकी हर एक अदा एक कयामत थी, उसके अंग अंग में मस्ती भरी राहत थी जिया, उसकी अंगड़ाई में एक अजनबी सी ताकत थी जिया, उसको दौलत की नहीं मेरी जरूरत थी जिया, वो मुझे भूल गई या करे गला रिफ्रेश हो गया, वो सैड सॉन्ग है, वो कौन सॉन्ग है। लेकिन रिफ्रेश होने के लिए कई बार जरूरी होता है, क्यों? अब 1 घंटे बाद आप अगर 5 मिनट रिफ्रेश हो गई, वापस 1 घंटे की गई, फिर लगता है कि और दोबारा जरूरत है, दोबारा 2-4 मिनट रिफ्रेश हो जाओ। ऐसे करके आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो, 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे। जैसे मान लो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो बोर हो जाते हैं, तो 1 घंटे बाद 5 मिनट ऊपर जाए, बाहर आए, चाय पानी पिया, वापस आ गए, तो वापस आपको उतनी की उतनी ही एनर्जी मिल जाएगी। फिर वापस यही सोचना, हाँ मेरे याद हो रहा है, अच्छी तरीके से याद हो रहा है। किसी प्रकार को दिमाग को रिफ्रेश भी जरूरी होता है, हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे, वो आपको पता है कि आपका दिमाग कितने समय बाद जरूरत पड़ती है इसे वापस रिफ्रेश होने की, समझे।